शास्त्रों में कई ऐसे काम बताए गए हैं जो आपके भाग्य को उदय करते हैं, किस्मत को चमकाते हैं। तो आज हम भी आपको एक ऐसा ही काम बताने जा रहे हैं जो आपके घर में खुशियां लेकर आता है। अक्सर आप देखते ही होंगे, जब आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो आपका पूरा दिन ही अच्छे से गुजर जाता है, और हम अपनी आंखें खुलते ही किसी ऐसी चीज के देखने की चाहत करते हैं जो कि हमारी आंखों को प्रिय हो, जिससे कि हमारा पूरा दिन काफी अच्छे से गुजरे। आपको बता दें, हमारा दिन हमारे लिए शुभ हो, इसके लिए भारतीय ऋषि मुनियों ने सुबह उठते के साथ हाथों को देखने का संस्कार हमें दिया है। शास्त्रों में भी इस बात का हमें उल्लेख मिल जाता है कि जागते ही बिस्तर पर सबसे पहले बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करने का हमें विधान बताया गया है। इससे व्यक्ति की दशा सुधरती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब आप सुबह नींद से जागे तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोलें और हाथों के दर्शन करें। बताएं तो हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यही है कि हम लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही कर्म हम आगे भी करते रहें, जिससे जीवन में हमें धन, सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। हमारे हाथों से कोई बुरा कार्य ना हो और हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें। इसी के साथ ऐसा करना हमारी आंखों के सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। जब हम सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखते हैं तो हमारी आंखें उनिंदी रहती हैं। ऐसे में अगर एकदम दूर की वस्तु या कहीं रोशनी पर हमारी नज़र पड़ेगी तो आंखों पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए हाथों को देखना ये एक तरह का फायदा है कि इससे हम दृष्टि धीरे धीरे स्थिर होती है और आंखों को कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।